भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के सांसदों को सौंपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी। नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल में अब तक 581 एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त। अभी सभी डीएम को एम्बुलेंस की चाबी जमा कराने के निर्देश। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी। एक बूथ पर रहेंगे सिर्फ 1200 वोटर। भाजपा नेता व पूर्व सीएम उमा भारती ने राकेश टिकैत को दी सलाह, खत्म न करें किसान आंदोलन की गरिमा। बुलंदशहर में पारिवारिक कलह के चलते नहर में कूदी महिला, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाला शव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि महामारी से निपटने में अभी किसी भी तरह की ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है। और इसी वजह से है कि देश में अभी भी सक्रिय मामले बहुत अधिक है। इसी के साथ केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से ये भी कहा गया है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए भीड़ वाले सभी स्थानों पर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना जरूरी है। तो कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। देश में सक्रिय मामले जो हैं उन पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। साथ ही साथ थर्ड वेव को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि सख्ती बरती जाए। कोई भी ढिलाई कोरोना की थर्ड वेव को दस्तक दे सकती है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दिशा निर्देशों को देते हुए सख्ती से इनका पालन करने के निर्देश दिए हैं। एक समय में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी बाघों की संख्या आज फिर से देश में बढ़ रही है। बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 29 जुलाई यानी आज के दिन विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ भारत के राष्ट्रीय पशु है, जिसके बावजूद भारत में साल 2010 में बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन दोबारा से बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है और इसी वजह से देश में अब फिर से बाघों की संख्या बढ़ने लगी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आज एक साल पूरा हो जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूनतम 10 योजनाओं का अनावरण करेंगे। इसमें उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कक्षा 3, 5, और 8 के छात्रों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन और क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च करेंगे, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निवास विकल्प क्षेत्रीय भाषाओं में पहले साल के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग कार्यक्रम में काम आएगा। तो नई शिक्षा नीति में एक साल में पूरे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प क्षेत्रीय भाषाओं में पहले साल के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग कार्यक्रम में काम आएगा। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी सांसदों को निकाल लिया और इसके तहत
और इसके तहत अपने संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव तक पहुंचने का निर्देश दिया है। राज्य के ब्रिज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर 2017 में मिली जीत से भी बड़ी जीत हासिल करनी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। आगे सांसदों को संबोधित करते हुए नड्डा ने यूपी विधानसभा चुनाव को बेहद अहम बताया। इस दौरान उन्होंने सांसदों को विपक्ष के दुष्प्रचार से सचेत रहने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य से में दशकों से जारी माफिया राज को खत्म किया है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी की प्लानिंग साफ तौर पर सामने आ रही है। चुनाव में बड़ी जीत का लक्ष्य सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसको लेकर कैसे 2017 में मिली जीत एक बड़ी हासिल करने की जीत थी, उसको लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रभारी राधा मोहन, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत संगठन मंत्री सुनील बंसल इस बैठकों में शामिल हो रहे हैं। आगे सांसदों को संबोधित करते हुए नड्डा ने यह भी कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव को बेहद अहम बताया है। इस दौरान उन्होंने सांसदों को विपक्ष के दुष्प्रचार से सचेत रहने की भी हिदायत दी है। साथ ही साथ उन्होंने तारीफ की कि किस तरह से माफिया राज योगी सरकार में खत्म हुआ है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले कार्रवाई अभी भी जारी है। सीबीआई ने राज्य के 8 शहरों में 12 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों में एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के परिसर भी शामिल है। छापों की ये कार्रवाई मुंबई, पुणे, अहमदनगर, नासिक, थाने, सोलापुर, सांगली और उस्मानाबाद में की गई है। पुणे और मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पाटिल के परिसरों के साथ मुंबई में भुजबल से जुड़े परिसरों पर भी अभियान के दौरान छापेमारी की गई। ये अभियान मंगलवार रात समाप्त हुआ। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने नहर में कूद कर जान दे दी। इसके बाद परिजनों ने महिला को ढूंढने के लिए पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला को ढूंढने का प्रयास किया और थोड़ी देर बाद महिला का शव बरामद हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। तो पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने अपनी जान दे दी। हालांकि शव को काफी मशक्कत के बाद नहर से तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के आवास विकास द्वितीय कॉलोनी में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। घर के सामने खड़ी कार पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ी के चोरी की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने एक्टिव होते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर किस तरह से कॉलोनी में खड़ी एक गाड़ी एकाएक कर चोरों द्वारा चुरा ली गई। हालांकि ये जो फुटेज है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ में पुलिस ने बरदहा इलाके में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 101 लीटर शराब, 800 लीटर स्प्रिट, 5,000 देसी ब्रांड शराब के रैपर, शीशी व 2,000 अंग्रेजी शराब की बोतलें को भी बरामद किया है। बता दें कि शराब बनाने के लिए वाराणसी के सारनाथ का निवासी नेपाली स्प्रिट उपलब्ध कराता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से शराब के अवैध कारोबार का दायरा जानने के लिए पूछताछ में जुट गई है। देखिए, ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं, अवैध शराब का अभियान जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसी क्रम में आज बरदहा पुलिस स्वाट टीम सर्विलांस और एक्साइज की संयुक्त टीम द्वारा एक काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। इसमें सर्वप्रथम एक टाटा मैजिक
जिसमें 4 ड्रम स्प्रिट वगैरह रखी थी, जिससे ये चीज़ तैयार की जाती है, और उसके चालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। और उसकी पूछताछ में ये खुलासा हुआ है, ये फतोही गांव स्थित जो मुख्य जो स्थान है, तीर्थराज यादव का जो घर है, काफ़ी बड़ा घर इसका बाहर से बना हुआ है और गेट बंद रहता है। इस घर के अंदर जो है शराब बनाने पैकिंग की और शराब तैयार करके हर तरह के ब्रांड को, अंग्रेजी और देसी शराब की मेनू। तो अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस का बड़ा छापा पड़ा है, जिसमें कई बोतल, शीशी और स्प्रिट वगैरह शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। तो आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता लगी है, जहां 5 शराब तस्कर को भी इसके साथ गिरफ्तार किया गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में बीते कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस वजह से कई राज्य बाढ़ प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत अधिकांश राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का भारी अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार मॉनसून ने दस्तक दे दी है, इसको लेकर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने पर चेतावनी जारी कर दी गई है। पूरी दुनिया में 29 जुलाई का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूरे धूमधाम से मनाती है। इस दिन का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि बाघ पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। इसके लिए साथ ही राष्ट्रीय पशु पर भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक समय देश में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी बाघों की संख्या आज तेजी के साथ देश में बढ़ रही है। बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 29 जुलाई के दिन इस दिन को मनाया जाता है। बाघ भारत के राष्ट्रीय पशु हैं, जिसके बावजूद भारत में साल 2010 में बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। बता दें कि दुनिया भर के मात्र 13 ही देशों में बाघ पाए जाते हैं, वहीं इसके 70% बाघ सिर्फ भारत में हैं। साल 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1,700 के करीब पहुंच गई, जिसके बाद लोगों में बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में कई देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के जरिए लोगों को बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके अलावा लोगों को पारिस्थितिक तंत्र में बाघों के महत्व को भी बताया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि देश में तेजी के साथ बाघों की संख्या बढ़ रही है। साल 2010 की बात करें तो 2010 में की गई गणना के मुताबिक बाघों की संख्या 1,706 थी, वहीं ये बढ़कर 2018 में करीब 2,967 हो गई। फिलहाल देश भर में बाघों की संख्या तेजी के साथ बढ़ने के साथ ही उनके ऑक्यूपेसी एरिया को भी बढ़ाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में केरल, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। बता दें कि देश भर में बाघों की जनगणना हर 4 साल बाद की जाती है, जिससे उनकी ग्रोथ रेट का पता लगाया जा सके। साल 1973 में देश भर में मात्र 9 टाइगर रिजर्व ही थे, जिसकी संख्या अब बढ़कर 51 हो चली है।
भारत में तेजी से विलुप्त हो रही प्रजातियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए अक्सर तरह तरह के संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण अभियान के तहत बाघों के संरक्षण के लिए सेव द टाइगर अभियान 2010 में शुरू किया गया था और इसका संरक्षण स्वतः ही बड़ी संख्या में वनस्पतियों, जीवों और पूरे पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, बाघों को बचाने के लिए अपनी सहयोग देते रहिए।